देखिए आगरा महोत्सव का आयोजन इस साल आगरा में हो रहा है। ये 10 दिवसीय आयोजन में एक भारत केसरी कुश्ती का भी आयोजन हो रहा है और ये भारत केसरी कुश्ती पहली बार उत्तर प्रदेश में हो रही है, जिसमें इंटरनेशनल जो मानक हैं उन मानक के अनुरूप आगरा में ये कुश्ती हो रही है, जिसमें देश भर के जो प्रमुख पहलवान हैं वो सभी प्रमुख पहलवान इसमें भाग लेंगे। और मुझे लगता है कि इस कुश्ती से जो हमारी भारतीय परंपरा है उस परंपरा को बढ़ावा देने की दिशा में ये ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है। नहीं नहीं, स्टेडियम में वो इंटरनेशनल सारी सुविधाएं हों, उस तरह की लोगों को मौका मिले, ये सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है। लगातार एकलव्य स्टेडियम में भी कई तरह के नए नए प्रावधान हुए हैं और मुझे लगता और भी आवश्यकता है। ऐतिहासिक दिन है जब कुश्ती का दंगल पहलवानों का यहाँ शुभारंभ हो रहा है। अभी तक आगरा में कोई कुश्ती का दंगल पहलवानों के द्वारा नहीं हुआ है और न ही आगरा महोत्सव कभी हुआ। कल आगरा महोत्सव का उद्घाटन भी हुआ है और उद्घाटन के दूसरे दिन कुश्ती का दंगल भी यहाँ हो रहा है। 10 दिन का ये कार्यक्रम है और आगरा के लिए बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है, क्योंकि आगरा ऐतिहासिक शहर होने के बावजूद भी कभी भी महोत्सव जैसे इस तरह के कोई कार्यक्रम यहाँ होने नहीं हुए। सैफई महोत्सव, ग्वालियर महोत्सव, अन्य प्रकार के देश के अंदर महोत्सव चलते हैं, लेकिन आगरा में महोत्सव नहीं था। टूरिस्ट प्रदेश, टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा ये हब भी है आगरा, बहुत टूरिस्ट भी आता है, बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। आज इंटरनेशनल स्तर के जो पहलवानों को जब बुला के आज कुश्ती का दंगल हो रहा है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है और मुझे लगता है कि आगरा महोत्सव का ये पहला वर्ष है। आने वाले समय में ये आगरा महोत्सव और उत्तर भारत का प्रमुख महोत्सव बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। आगरा के अंदर आगरा महोत्सव जो कल प्रारंभ होने जा रहा है, इसकी शुरुआत होने जा रही है और उसके आज यहाँ पर भारत केसरी दंगल कुश्ती यहाँ पर हो रही है और एक आगरा के अंदर एक पहला एक ऐसा उदाहरण है। माननीय सांसद रामशंकर कठेरिया जी के प्रयास से यह संभव हो सका है। यहाँ पर अनेक स्तर के जो पहलवान, राष्ट्रीय स्तर के, आगरा स्तर के और क्षेत्र स्तर के पहलवान यहाँ पे आए हुए हैं। अभी आगरा केसरी के कुश्ती यहाँ पे चल रही है, उसके पश्चात भारत केसरी की यहाँ पर यह कुश्ती होगी और इस आयोजन से जो आसपास के जो पहलवान है उनको प्रेरणा मिलेगी। भारत के दिन कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही है, बहुत भव्य आयोजन है, 3 दिवसीय है, 27, 28, 29 को 3 दिन चलेगा। इसके लिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय सांसद रामशंकर कठेरिया और उनके सहयोगी भाई केशव अग्रवाल, भाई गौरव बंसल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।